क्या पढ़ रही हो? किसकी बुक है? मेरी है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी, आज आप सोच रहे होंगे कि अचानक से अम्मी के घर जो है वो मैं कहाँ से आ गई, मैंने आपको बताया भी नहीं और मैं यहाँ पहुँच भी गई। तो जी, मैं अपने हस्बैंड के साथ यहाँ रहने आई हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड की थी तबीयत ख़राब। तो बीमारी में भी हमने सोचा क्यों ना आउटिंग ही कर लेते हैं, क्योंकि मुझे भी काफ़ी अरसा हो गया था गए हुए। मैं ईद पे ही गई थी, ईद उल फितर पे, उसके बाद मैं गई नहीं थी। लेकिन अभी खैर मैं एंजॉय करने बिल्कुल भी नहीं गई थी, मैं अपने हस्बैंड के साथ ही रही थी। और रियली हस्बैंड्स के जो है वो अगर वो बीमार पड़ जाए ना तो आपकी जान पे भन आती है। आपको इंग्लिश पढ़ने आती है? क्या पढ़ने आता है ये बताओ, क्या लिखा हुआ? पहले तो बुक ही उल्टी पकड़ी हुई है। और जी, यहाँ पे शिजा मुझे अपनी कलरिंग बुक दिखा रही है। और अभी वैसे ये स्कूल जाना तो स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन वैसे ही मेरी छोटी सिस्टर ने इसे ये कलर बुक ला के दी है, तो मुझे दिखा रही थी कि पप्पो देखे मैंने कलर किए हैं इसमें। और जी, यहाँ पे शान से फातिमा बना रही है फ्रेंडशिप बैंड, बनाने की कोशिश कर रही थी अभी, तो वैसे वो रबड़ बैंड ही निकाल रही थी। तो साथ उसने यूट्यूब पे वीडियो जो है वो लगाई हुई थी, पर उससे तो बना नहीं, लेकिन मैंने ट्राई किया और ये देखे माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बैंड बहुत ही प्यारा लग रहा था और ये रबड़ बैंड से बना था। तो इसका मैंने शॉर्ट बनाया है, आप वहाँ से सीख सकते हैं कि ये मैंने बैंड जो है वो कैसे बनाया है। कहाँ से? यहाँ से, ये रहा यहाँ से टूटा है ये वाला जो है। और कहाँ चोटी लगी है? वाला नानो के घर मजा आया था? और आपको मजा आया नानो के घर? क्या खा रही हो आप? क्या खा रही हो? पॉपर। क्या है? पॉपर। पॉपल? अच्छा ठीक है, ये पॉपल है। पॉपल क्या बुलाते हैं? बबलू। बबलू कौन कहता है? बबलू आमना आपी कहती हैं बबलू। और आपका फ्रेंड कौन है? मोहम्मद अली नहीं है? वो भी है। और आपको मारता कौन है? मुझे नाम सनपुप्पो डांटती है। सनपुप्पो डांटती है? तो जी, इस उम्र में बच्चों की बहुत सारी स्टोरीज होती है कि वो कहते हैं कि बस सुनते जाओ सुनते जाओ। वैसे इसे बोलना अभी ठीक तरह से नहीं आता, लेकिन यह है कि कुछ कुछ बातें मुझे भी इसकी समझ में आ ही जाती है और बड़ी फ़नी बातें करती है ये, और अपने से स्टोरीज़ बनाती रहती है। पता नहीं बच्चों के माइंड में इस उम्र में कहाँ से स्टोरीज़ आ जाती हैं। हम तो इतने शरीफ होते थे ना कि जहाँ माँ बाप ने बैठाया वहीं पर बैठ जाते थे, पर आजकल के बच्चे जी सुपर एक्टिव हैं और ये एक्टिवनेस आप इनमें देख ही रहे हैं। और आपके घर में भी बच्चे होंगे जो कि बहुत ही एक्टिव होंगे माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बस यही है कि अल्लाह जो है वो इन सब बच्चियों के नसीब जो है वो अच्छे करे। आमीन सुम आमीन। आप कपल के बेटी हैं क्या? आप कपल के बेटी हैं। किसकी बेटी हूँ? अंकल की? नहीं बेटा, अंकल की बेटी नहीं हूँ, बेटी कह रही। मैं दादा अब्बू की बेटी हूँ, सुने? दादा अब्बू की बेटी हूँ। और जी, शिजा को तो बस यही लगता है कि उसकी सिर्फ़ एक फूफू है जो कि घर पे रहती है और बाकी जो है बस नाम की फूफू है। और ये मुझे कह रही थी कि मैं अंकल की बेटी हूँ, क्योंकि डेफिनेटली मैं तो यहाँ पे आती नहीं हूँ, और वो यही कहती रहती है। चलें जी, अब आपको मैं एक ड्रेस दिखाती हूँ। ये ड्रेस जो है वो मेरी अम्मी का था, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर करती हूँ। ये जे डॉट का ड्रेस था। तो वैसे शॉपिंग बैग इतना बड़ा था
कि मैंने कहा पता नहीं कितने का ड्रेसेस है अंदर, पर एक ही ड्रेसेस में रखा हुआ था। तो इनके खैर शॉपिंग बैग होते ही बड़े बड़े हैं। और ये देखे कलर तो बहुत ही प्यारा लगा मुझे, लाइट ग्रीन सा था और पर्पल कंट्रास्ट के साथ मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। और रिजनेबल प्राइसेस पे था, मतलब 2990 में ये सूट जो है वो आया था और बहुत अच्छा था, कपड़ा भी बहुत अच्छा था और रिजनेबल प्राइस में था। और सबसे अच्छी बात ये कि इसकी जो ये तो खैर दुपट्टा मैं दिखा रही थी और ये इसका ट्राउज़र पीस है और ये है इसका शर्ट पीस। और शर्ट पीस में ये देखे बॉर्डर सिर्फ बना हुआ था, गला बिल्कुल भी नहीं बना हुआ था। और ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि अब वो गले वालों का ना वो ट्रेंड रहा ही नहीं है, अब जो है वो सिर्फ सिंपल जो है वो ऊपर से शर्ट होनी चाहिए, बल्कि ये पाइपिंग लगाई हुई थी इन्होंने पर्पल कलर की और नीचे जो है वो बाजों पे और दामन पे जो है वो इन्होंने बारीक सी लेस लगाई हुई थी जो कि बहुत ही प्यारी लग रही थी और बड़ा एलिगेंट सा लग रहा था। बाबा कहाँ हैं? कहाँ हैं? कटल? बाबा कहाँ हैं? कटल? नहीं, कटल गए। कटल गए हैं? नहीं, कटल गए। कटल गए हैं कि कतर गए हैं? कटल? कटल? कतर? खुद कटल बोल रही, हम कटल बोले तो कहती नहीं कतर। देख के आई है। और ये है जी आरे बाजार के चपली कबाब जो कि बहुत ही मज़े के हैं और इस टाइम किसी से भी इंतज़ार नहीं हो रहा और ये मैंने बड़ी मुश्किल से इन्हें इंतज़ार करवाया। क्यों आपसे इंतज़ार हो रहा है? तो आपके तो मुंह में भी है। और सबसे जो बेसब्रा बच्चा था वो यहाँ से जा चुका है, इधर तो आओ, जो कह रहा था कि पप्पा मुझसे बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं हो रहा और इससे बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं हो रहा था, है ना? अभी कितनी देर में, अभी तो हमें घंटा लगना वीडियो बनाने में, फिर खाएंगे घंटे बाद, ठीक है? आंखें निकल गई, चले खाने शुरू करते हैं। स्टार्ट, 1 2 3 स्टार्ट। मुझे तो दे नान, तो यहाँ पर नान भी है तो हम लोग नान निकाल लेते हैं अभी। नादिया आ जाओ, रखेंगे आपको मैं रूल बताता हूँ। ऐसे कर कर से डिप कर कर खा लेते हैं। तो आज भी हम लोगों ने आधा आधा खाया अभी तक। ये मुझे देना, चपली कबाब की हालत बहुत ही खराब है। तो जी शांजे को बहुत शौक़ होता है कि वो बोले और वो जो है वो व्लॉगिंग करे, तो मैंने उसे बोलने दिया आज वीडियो में। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।